प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। आज एक बार और इस तरह से प्रभु के वचन के समक्ष बैठने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया है, जिसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से कई लोग प्रभु के सेवक हैं। मैं प्रभु से विनती करता हूं कि ये संदेश उनके लिए उपयोगी हो, और इतना ही नहीं, ये संदेश उनके लिए एक नमूना हो कि किस तरह से प्रभु के वचन की व्याख्या क्रमबद्ध तरीके से करनी है। कुछ ऐसे लोग भी आज उपस्थित हैं जो प्रभु के वचन की व्याख्या किस तरह से करनी है इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उन लोगों के लिए भी ये उपयोगी होगा। संडे शाम को हम लोग प्रभु यीशु के जीवन का अध्ययन करते हैं, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। प्रभु के जीवन के अध्ययन के बारे में जब बात करते हैं तो लोगों को एकदम से लगता है कि प्रभु यीशु संसार में आए और बस उनका जीवन चरित्र है, उसमें अध्ययन करने के लिए इतना क्या है। ये गलत फहमी है। प्रभु के वचन से जो लोग परिचित नहीं है वे ही इस तरह की बातें सोच सकते हैं या सोचते हैं। एक्चुअली प्रभु यीशु का जीवन, पौलुस का जीवन, दाऊद का जीवन, यूसुफ का जीवन, ये सब इस तरह के कैरेक्टर हैं जिनका अध्ययन हमको बहुत सारी बातें सिखाता है। इसलिए यहां हम लोग इन दिनों प्रभु का जीवन, हर संडे मैं प्रभु यीशु के जीवन से जो पाठ हमको मिलते हैं वो प्रेजेंट कर रहा हूं। आज के अध्ययन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय खोल लीजिए। यूहन्ना का तीसरा अध्याय, यूहन्ना का तीसरा अध्याय। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यूहन्ना के तीसरे अध्याय के बारे में सुना है। इसलिए कि बाइबल का जो पद सबसे अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, जिसका अनुवाद हुआ है, और वो पद जो मसीही जगत में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो यूहन्ना 3:16 है, जहां हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पुत्र पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि शाश्वत जीवन पाए। आज जो लोग सुन रहे हैं उनमें से यदि किसी ने अपने बेटे बेटी को ये पद याद नहीं दिलवाया है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपने बहुत गलत किया। ये हर मसीही की जिम्मेदारी है कि बच्चों को प्रभु के वचन के सबसे महत्वपूर्ण पद याद दिलवाए, और यूहन्ना 3:16 उसमें से एक है। यूहन्ना के तीसरे अध्याय में हम दो महान व्यक्तियों को आपस में वार्तालाप करते हुए देखते हैं। एक है संसार के सृष्टा, जो मनुष्य रूप में संसार में पधारे हैं, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और हमारा महायाजक। इसलिए मैंने कई बार प्रभु यीशु के लिए इस सीरीज में बादशाह, चक्रवर्ती, एम्परर शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि
प्रभु इस सारे संसार के सृष्टि करता है, लेकिन जब प्रभु मनुष्य रूप धारण करके संसार में आए तब प्रभु ने बहुत ही नम्र पृष्ठभूमि में जन्म लिया, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो प्रभु यीशु की बातचीत सुन के एकदम से समझ लेते थे कि प्रभु एक सामान्य मनुष्य नहीं है। इस तरह का एक व्यक्ति प्रभु यीशु के दर्शन के लिए वहां पर पधारा। यूहन्ना के तीसरे अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, फरीसियों में से निकुदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। निकुदेमुस आकर प्रभु यीशु से मुलाकात करते हैं, ये घटना हम सब जानते हैं। लेकिन एक फरीसी कौन होता है इसके बारे में हम में से बहुत कम लोग डिटेल जानते हैं। हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु जब संसार में थे तब फरीसी, शास्त्री और कभी कभी सदूकी लोग प्रभु को बहुत परेशान करते थे, प्रभु के मुंह पर प्रभु का विरोध करते थे, और फरीसी तो उसमें बहुत आगे रहते थे। शास्त्री लोग भी प्रभु का विरोध करते थे। कौन थे ये फरीसी? शास्त्रियों के बारे में आगे जब किसी शास्त्री की चर्चा होगी तब हम देखेंगे कौन है फरीसी। हम इस बात को जानते हैं कि याकूब के 12 पुत्रों से 12 गोत्र बने, वे लोग महान नायक मूसा की अगुवाई में जाकर कनान देश में सेटल हो गए। जब वे लोग मिस्र देश की गुलामी से छूटकर कनान की ओर जा रहे थे तो 40 साल का जो अंतराल था, जब वे मरुभूमि में चले और जब वे मरुभूमि में इधर उधर तंबू डाल के जो है पड़े रहे, उस समय प्रभु ने अपने महान नायक मूसा का उपयोग किया जिससे कि प्रभु का वचन लिखित रूप में हमको मिल सके। यहूदी लोग जानवर पालते थे, मांसाहारी थे, इसलिए जानवरों की खाल पर्याप्त रूप में उनके पास उपलब्ध था। उस खाल को वो लोग प्रोसेस करके, पॉलिश करके टाट पट्टी के समान बना लेते थे और उसके ऊपर लिखना आसान होता था और इतना सुरक्षित रहता था कि इस चमड़े की टाट पट्टी के ऊपर या चर्म पत्र पर लिखा हुआ जो लेख है वो हजारों साल तक सुरक्षित रहता था। आज पवित्र बाइबल का जो सबसे पवित्र बाइबल के जो सबसे पुराने चर्म ग्रंथ हैं जो हमारे पास उपलब्ध है वे लगभग 2250 साल पहले लिखे गए थे। मतलब 2250 साल पहले लिखे जाने के बावजूद पुराने नियम की ये पुस्तकें बिल्कुल फीकी नहीं हुई हैं, सुरक्षित हैं और इज़राइल में एक बहुत बड़े म्यूजियम में एयर कंडीशन में उनको इज़राइल सरकार ने सुरक्षित रखा है। तो जब इसराइली लोग मरुभूमि में से होकर गुजर रहे थे तो इस तरह के चर्म पत्र प्रोड्यूस करने के लिए उनके पास चमड़ा बहुत था, चमड़े को प्रोसेसिंग करके टाट पट्टी के समान बना लेते थे। और मरुभूमि की इस यात्रा में परमेश्वर ने मूसा की मदद की कि वे उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक लिखें। इसके साथ साथ मूसा ने और कुछ भी लिखा, अय्यूब के पुस्तक की रचना मूसा ने की, उसके अलावा भजन संहिता में मूसा के भजन पाए जाते हैं, इन सब की रचना मूसा ने की। 40 साल की यात्रा के बाद जब ये लोग कनान जाकर बस गए तो धीरे 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 जो यहूदी धर्म है उसका स्वरूप भ्रष्ट होने लगा। जो भी व्यक्ति पुराना नियम पढ़ता है वो इस बात को जानता है कि किस तरह से बार बार परमेश्वर के लोग अपने जीवन में गलत कार्य की ओर मुड़ते थे और प्रभु को भूल जाते थे।
लेकिन प्रभु का वचन एक बात याद दिलाता है, प्रभु हमेशा अपने लिए चुने हुए लोगों का एक समूह हमेशा हर पीढ़ी में रखते हैं। आज से 5000 साल पहले की पीढ़ी में इस तरह के लोग थे। नूह के समय नूह और परिवार था, और आगे हम देखते हैं तो हिस्ट्री में इस तरह के लोगों को देखते हैं। इनमें से कुछ लोग प्रभु के वचन को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु के वचन का विशेष अध्ययन करते थे, और अध्ययन करने के साथ साथ प्रभु के वचन का लेखन करते थे, प्रभु के वचन के ऊपर कमेंट्रीज लिखते थे, प्रभु का वचन सिखाते थे। यहूदियों के बीच में इस तरह से अपने अति उत्साह के कारण जो लोग प्रभु के वचन के सर्वोत्तम टीचर्स थे, उन टीचर्स को फरीसी कहा जाता था। प्रभु यीशु ने फरीसियों की बहुत बुराई की है, इस कारण हमको कई बार लगता है कि ये फरीसी तो बहुत ही कुकर्मी लोग होंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु ने फरीसियों की बुराई क्यों की, इसको हम आगे देखेंगे। पहले ये देख लें कि फरीसी कौन है। कनान देश में सेटल होने के बाद प्रभु के वचन की सुरक्षा, प्रभु के वचन का लेखन और प्रभु के वचन की व्याख्या, ये सब करने के लिए यहूदियों के बीच में बाइबल स्कूल्स हुए। आज जिस तरह से बाइबल स्कूल्स है, जहां जाकर लोग 3-3, 5-5, 10-10 और कई बार 20-20 साल तक ट्रेनिंग लेते हैं, उसी प्रकार यहूदी लोग प्रभु के वचन की शिक्षा के लिए पहले यहूदी धर्म गुरुओं के अंडर ट्रेनिंग लेते थे, और इस तरह से ट्रेनिंग लेकर परीक्षा पास करने के बाद उनको फरीसी का टाइटल या खिताब मिलता था। यह कोई आसान काम नहीं था। आज इतने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से कई लोग बाइबल स्कूल जा चुके हैं, लेकिन बाइबल स्कूल में जाकर मैं भी जा चुका हूं, हम में से किसी ने बाइबल की एक पुस्तक को भी कंप्लीट याद करने की कोशिश नहीं की। हाँ, बहुत सारे पद याद किए जो अलग अलग विषयों से संबंधित है, लेकिन एक व्यक्ति एक फरीसी बनना चाहता था तो फरीसी का टाइटल मिलने के पहले ना केवल उसे सालों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, उसको बाइबल की शुरू की 5 पुस्तकें बिना एक गलती के याद करनी पड़ती थी। मतलब उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, बिना एक गलती के उनको याद करना पड़ता था। और फरीसी की जब परीक्षा होती थी तब कहीं से कोई भी पोर्शन उससे पूछा जा सकता था, बिना मिस्टेक के उसे वो पोर्शन वहां अपने एग्जामिनर्स के सामने बोलना पड़ता था। ये कोई आसान काम नहीं है। ये बात मैं याद दिला दूं कि आज बाइबल अध्यायों में और वर्सेस या पदों में बांट दिया गया है, ये बहुत बाद में हुआ। इवन प्रभु यीशु के समय पुराने नियम की जो हस्तलिखित कॉपीज अवेलेबल थी उनमें सिर्फ पुस्तकों का नाम रहता था, पुस्तक अध्यायों में नहीं बटे रहते थे। ऐसे शुरू के बाइबल के 5 पुस्तकों में से कहीं से किसी भी पुस्तक से आपका अध्यापक कोई भी एक वाक्य सुना देता और आपसे कहता कि अगले 5 वाक्य सुनाओ, तो ये कोई आसान काम नहीं था। इस तरह से कठोर ट्रेनिंग लेने के बाद एक व्यक्ति एक फरीसी बन पाता था। कठोर न केवल ट्रेनिंग बल्कि कठोर एग्जाम भी उसको देना पड़ता था। तो ये लोग प्रभु के वचन के काफी बड़े एक्सपर्ट्स थे। इसलिए प्रभु यीशु से मिलने के लिए यूहन्ना के 3 अध्याय में जो व्यक्ति आया वो कोई आम शख्स नहीं था, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के वचन में पंडित था और जिसने कम से कम उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक 5 पुस्तकें याद की थी बिना गलती के।
यहूदियों के लिए परमेश्वर के वचन का वचन को मौखिक रूप से जब वे उसको बोलते थे तब उसमें एक भी गलती करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। प्रभु के वचन में ना तो जोड़ना है, प्रभु के वचन से ना तो घटाना है, इस प्रिंसिपल के आधार पर वो लोग कार्य करते थे। तो ये कोई ऑर्डिनरी शख्स नहीं था, प्रभु के वचन में ऐसा व्यक्ति था जिसको बहुत उन्नत स्तर का पांडित्य हासिल था। फरीसियों में से निकुदेमस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। इसका क्या मतलब है? आजकल जनरली ये शब्द सरदार यूज नहीं होता है, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वगैरह में जहां राजे महाराजे होते थे तब राजे महाराजाओं के नीचे सरदार लोग होते थे। ग्वालियर में ये एक बहुत कॉमन शब्द था। सिंधिया महाराजाओं के अंडर बहुत सारे सरदार लोग थे। सरदार का यहाँ पर मतलब है लीडर, और इन लोगों को जागीर दे दी जाती थी कि फलाने 10 गांव तुम्हारे हैं, उस गांव से ये लोग टैक्स लेते थे और इस तरह से धनी जीवन बिताते थे और उस टैक्स का एक पोर्शन महाराजा को भी दे दिया करते थे। तो फरीसियों में निकुदेमस नाम का एक व्यक्ति, वो ना केवल एक फरीसी था बल्कि यहूदियों का सरदार भी था, मतलब यहूदियों का लीडर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो व्यक्ति प्रभु यीशु से मिलने के लिए आया है वो ना केवल वचन का पंडित है बल्कि यहूदियों का एक नायक है। अब इन दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए तो निकुदेमुस यहूदियों का एक महानायक है जो प्रभु यीशु से मिलने के लिए आया है। तो आज यहूदियों का एक महानायक, यहूदियों के सृष्टा प्रभु यीशु से वार्तालाप के लिए पधारे हैं। जब इस तरह से एक महानायक संसार के सृष्टा से, जो कि महानायक सृष्टा के वचन का पंडित है, वो जब सृष्टा से चर्चा करता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये लोग आपस में जो बात करेंगे वो इतने ऊंचे लेवल का होगा कि कॉमन व्यक्ति को समझ में ही ना आए। ऐसा हुआ क्या, ये हम आगे देखेंगे। दूसरे पद में हम देखते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर यीशु से कहा, हे रबी। रात को क्यों आया? वो कोई भगोड़ा था क्या? जरा ये सोचिए, निकुदेमस न्याय या कानून से बचकर भागने वाला कोई अपराधी या भगोड़ा था क्या जिसको रात में प्रभु से मुलाकात के लिए आने की जरूरत पड़ी? जी नहीं, वो तो जनता का महानायक था। डबल हैसियत थी, एक आत्मिक हैसियत फरीसी था, नंबर दो राजनैतिक हैसियत, वो लोगों का एक लीडर था। ऐसे व्यक्ति को रात के समय प्रभु के पास आने की जरूरत क्यों पड़ी? जरा सोचिए, जरा सोचिए। हो सकता है आपको लगे कि दिन में वो व्यस्त रहा होगा। कमाल की बात करते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि फरीसी लोग, उनके पास पर्याप्त समय होता था, प्रभु जहां भी जाते थे प्रभु के पीछे पीछे जाते थे। इसलिए यदि किसी को लगे कि निकुदेमुस तो दिन में बहुत व्यस्त रहा होगा और इस कारण प्रभु से रात को मिलने के लिए आया, तो ये एक गलत आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि प्रभु 3.5 साल जहां भी गए वहां प्रभु के पीछे पीछे काफी सारे फरीसी लोग जाते थे, जिससे हमें इस बात का स्पष्ट अनुमान हो जाता है कि समय की कमी नहीं। तो फिर क्यों ये जन नायक, ये महान नायक रात के समय प्रभु यीशु से मिलने के लिए आया? उसका कारण स्पष्ट है। प्रभु अपने 3.5 साल की मिनिस्ट्री में जहां भी गए, जो भी सिखाया, वहां वहां जाकर प्रभु का सबसे ज्यादा विरोध किया फरीसियों ने, और इस कारण फरीसियों में से एक व्यक्ति प्रभु से जाकर प्राइवेट मुलाकात करे, ये बात फरीसी कौम सोच भी नहीं सकती थी। बल्कि यदि फरीसियों में से कोई व्यक्ति जाकर प्राइवेटली प्रभु यीशु से मुलाकात करे तो बाकी फरीसी लोग उसको धर्म भ्रष्ट कर देंगे,
इस कारण डर के मारे ये महान जन नायक प्रभु यीशु से मिलने के लिए रात को आए। निकोदेमस के बारे में प्रभु यीशु के वचन में और भी वर्णन हमको मिलता है, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु यीशु का बहुत ज्यादा आदर करता था। दूसरी बार भी जहां डिटेल में वर्णन मिलता है वहां निकोदेमस लगभग अंधेरा होते होते आया। वो घटना है जब प्रभु यीशु का शरीर सूली पर से उतार कर दफनाने के लिए तैयार किया जा रहा था। प्रभु का वचन कहता है कि जब अर्मतिया के यूसुफ ने जाकर प्रभु यीशु का, अर्मतिया का यूसुफ एक बहुत धनी व्यापारी था, उसने जाकर जब प्रभु यीशु के शरीर को मांग लिया और सूली पर से उन्होंने प्रभु के शरीर को उतारा, उस समय निकोदेमुस भी वहां पहुंच गया और निकोदेमुस प्रभु यीशु के शरीर पर लेपन करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां ले गया था। उन जड़ी बूटियों के बारे में प्रभु के वचन में ये लिखा है कि लगभग 20 से 25 किलोग्राम जड़ी बूटियां वो प्रभु के शरीर पर लेपन के लिए ले गया। वहां जिन जड़ी बूटियों के बारे में प्रभु का वचन कहा कहता है उसके उसका यदि हम स्टडी करें तो पता चलता है कि आज के समान दुकान में जाकर प्लास्टिक में नमक की थैली खरीद ली, घर लाके नमक यूज करने लगे, ऐसा नहीं था। इन जड़ी बूटियों को बाजार में जाके या हाट में जाके खरीद के बाकायदा कूट पीस के उसको तैयार करना पड़ता था। निकोदेमुस प्रभु यीशु के शरीर पर लेपन के लिए 20 से 25 किलोग्राम जड़ी बूटियां लेकर आया, जिसका मतलब यह है कि उसके घर में तैयारी चल रही थी। उसको मालूम था कि प्रभु यीशु को सूली दी गई है और उसको ये मालूम था कि प्रभु यीशु को एक दफनाना है और बहुत आदर के साथ दफनाना है, इसलिए यहूदियों की रीति के अनुसार उसने लगभग 25 किलो के करीब जड़ी बूटियां तैयार करके रखी जिसका लेपन प्रभु यीशु के मृत शरीर पर किया जा सके। लेकिन जिस आदमी ने इस तरह से 20 या 25 किलोग्राम जड़ी बूटियां घर पर जिसने तैयारी की, वो अंधेरे में इन जड़ी बूटियों को लेकर आया, इन औषधों को लेकर आया और उसका लेपन तुरंत प्रभु यीशु के मृत शरीर पर किया गया और मृत शरीर पर ये 25 के करीब किलोग्राम जो एकदम से द्रव नहीं होता है, जैम के समान पेस्ट होता है, उसका लेपन करने के बाद प्रभु यीशु को चादर से लपेट दिया गया और फिर प्रभु को कब्र में रखा गया। तो जो कि इस घटना में भी निकोदेमुस दिन में नहीं प्रकट हुआ बल्कि रात के समय या अंधेरे में प्रकट हुआ, इससे एक बात स्पष्ट है कि एक और निकोदेमुस प्रभु यीशु का भक्त था तो दूसरी ओर यहूदी कौम से डरता भी था। सबके सामने वो प्रभु यीशु को आदर देने वाले व्यक्ति के रूप में देखा नहीं जाना चाहता था। तो उस घटना को भी जब हम ले लेते हैं, इन दोनों घटनाओं को जोड़कर हम ये अनुमान लगाते हैं कि दूसरे पद में, मैं जो लोग लेट आए हैं उनको याद दिला दो, यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय से हम लोग प्रभु के जीवन का या प्रभु के जीवन की अगली कड़ी का अध्ययन कर रहे हैं। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, उसने मतलब निकोदेमुस ने रात को यीशु के पास आकर यीशु से कहा, हे रब्बी। तो नंबर 1, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, एक फरीसी भी था और लोगों का राजनैतिक लीडर भी था। तो यहूदियों का एक महानायक, यहूदियों के और सारी सृष्टि के सृष्टा प्रभु यीशु के दर्शन के लिए रात को आते हैं, इसलिए कि ये महानायक लोगों से डरता था। वो चूंकि फरीसी लोग प्रभु यीशु का विरोध करते थे, वो प्रभु यीशु को आदर करता था ये दूसरे लोग ना जाने, इसलिए रात को आया था। वहां आकर प्रभु यीशु को संबोधन करता है, हे रब्बी, मतलब हे गुरुदेव।
यहूदियों का एक महानायक जो पवित्र बाइबल की शुरू की पांच पुस्तकों का पंडित है, जो इन पांच पुस्तकों को मुंह जवानी जानता है, उस व्यक्ति को यह बात स्पष्ट समझ में आनी चाहिए थी कि यह तो मसीहा है, यहूदियों के मसीहा है। देखिए, उनका अध्ययन सिर्फ पांच पुस्तकों तक सीमित नहीं था। प्रभु यीशु जब संसार में पधारे तब पुराने नियम की 39 किताबें उपलब्ध थी, और फरीसी लोग जिन बाइबल कॉलेजेस में ट्रेनिंग लेते थे वहां ये 39 किताब रहते थे और इनका अध्ययन उनको करना पड़ता था। तो जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु के बारे में पुराने नियम में जितनी भविष्यवाणियां हैं उनका अध्ययन किया है, और यहूदियों के बीच में जो 1000 के करीब प्रभु यीशु के बारे में जो भविष्यवाणियां, मुंह जवानी भी उन दिनों चलती थी, इन सब का ज्ञाता है, वो जो प्रभु यीशु के पास आया तो उसका जो संबोधन है वो हे रब्बी नहीं होना चाहिए था, हे प्रभु होना चाहिए था। उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी अब तक कि ये संसार के सृष्टा प्रभु हैं। लेकिन निकुदेमुस ने जिस तरह से प्रभु यीशु का को संबोधित किया, उससे एक बात स्पष्ट है कि उसने प्रभु यीशु को एक महान व्यक्ति के रूप में तो पहचान लिया था, लेकिन उसने अभी तक यह नहीं पहचाना या यह नहीं जाना था कि प्रभु यीशु उद्धार करता है। ये मेरे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार हमको लगता है कि बचपन से यदि प्रभु के वचन में जितनी सारी बातें हैं उन सब बातों की जानकारी किसी व्यक्ति को हो जाए तो उस जानकारी के साथ साथ वो व्यक्ति बहुत अधिक आत्मिक भी हो जाएगा। प्रभु का वचन बार बार याद दिलाता है कि प्रभु के वचन की जानकारी से कोई व्यक्ति आत्मिक नहीं हो जाता है। कई बार लोग प्रभु के वचन में अपनी जानकारी को बहुत ज्यादा बघारते हैं। मुझे याद है आज से बहुत साल पहले ग्वालियर के पास, भाई रणजीत के शहर ग्वालियर के पास झांसी में एक व्यक्ति ने ऐसे ही अपने कमरे में ले जाकर मुझे बुला के दिखाया। सारी दीवारें हटी हुई थी, सब जगह फ्रेम ही फ्रेम थे। और जरा देखिए ब्रदर क्या है, अलग अलग उन दिनों बहुत सारे बाइबल स्कूल करस्पॉन्डेंट स्कूल्स हुआ करते थे। उन्होंने 50 बाइबल स्कूलों से जो करस्पॉन्डेंट स्कूल्स है, पत्र व्यवहार के द्वारा जो कोर्स है वो किया, और उसके सर्टिफिकेट्स थे जो सारी दीवारों पर जमे हुए थे। ये सब मुझे बताने के साथ साथ वो स्मोक भी करते जा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई आपत्ति है क्या? मैंने कहा कि भैया मेरे प्रेजेंस में स्मोक ना करो तो बेहतर होगा। तो उन्होंने फिर अगला प्रश्न पूछा, आपको एलर्जी है क्या? मैं झूठ क्या बोलता, मुझे बोलना पड़ा कि नहीं एलर्जी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, मैं जरा स्मोक कर लूं। करता भी जा रहा था, ये मुझे दिखाता भी जा रहा था। मैंने सर पीट लिया कि एक व्यक्ति जो नशे का इतना आदी है मेरे सामने ज्ञान बघार रहा है कि मैंने 50 बाइबल स्कूलों से मैंने उनका करस्पॉन्डेंस कोर्स करके उनका सर्टिफिकेट हासिल किया है। आखिर में हैरान होकर मैंने एक बात पूछा कि एक बात बताओ, ये सब तुमने किया, प्रभु के वचन से तुमने 50 कोर्स किए, सर्टिफिकेट लिए, फ्रेम करवाया, दीवारों पर टांगा, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारे स्वयं के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर प्रभु यीशु ने जन्म लिया है क्या? तो वो आदमी बौरा गया, उसने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, ये सब मैंने किया है। मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि ये सब तुमने किया है या नहीं किया है, ये मैं अंधा नहीं हूं, मुझे दिख रहा है कि तुमने इतना सब कुछ किया है जो एक औसत व्यक्ति नहीं कर सकता है, और मुझे खुशी है कि तुमने ये सब किया है। लेकिन मैं कुछ और बात जानना चाहता हूं, और वो बात यह है कि जिस प्रभु के वचन का तुमने अध्ययन किया, वो वचन जिस प्रभु के बारे में बताता है, उस प्रभु को तुमने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके जीवन में उद्धार, मुक्ति पाया क्या?
पहले तो उसे समझ में ना आए, तो दोबारा सर पीटना पड़ा कि भैया ये कर क्या रहा था, बाइबल स्कूल में से करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा था या आंख नीच के क्वेश्चन आंसर भरता चला जा रहा था। बाद में जब मैंने उसको बताया समझाया कि मनुष्य पापी है और पापी व्यक्ति को उद्धार की जरूरत है और प्रभु यीशु ने सूली पर बलिदान देके हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोला, तब उसको समझ में आई कि मैं क्या कह रहा था। ये एक आधुनिक उदाहरण है इस बात का कि प्रभु के वचन के बारे में दिमागी ज्ञान होने से हमारा उद्धार नहीं हो जाता है, हम एक नया जीवन नहीं पा लेते हैं। आप में से शायद कई लोगों ने सुना होगा कि मैसूर यूनिवर्सिटी में आप क्रिश्चियनिटी में एमए कर सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि वहां पर वो प्रभु का वचन पढ़ाते होंगे। मैं मैसूर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल में 2-3 साल मेंबर रहा था। ये जो डिग्री जो एमए की डिग्री करवाते हैं उसके जो उसकी जो एकेडमिक काउंसिल है, बेंगलोर में एक बहुत प्रसिद्ध बाइबल स्कूल में ये कोर्स चलाया जाता है। उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए व्यक्ति को उद्धार प्राप्त होना चाहिए, लेकिन एमए क्रिश्चियनिटी में एग्जाम लेने के लिए कौन आता है? वेदांत का एक्सपर्ट, सांख्य का एक्सपर्ट, इस तरह से हिंदू फिलोसफी के एक्सपर्ट्स वहां आकर एक्सटर्नल एग्जाम लेते हैं। क्यों? इसलिए कि वहां प्रभु के वचन का अध्ययन नहीं हो रहा है, प्रभु के वचन के बारे में अध्ययन हो रहा है और उसके लिए प्रभु को जानना जरूरी नहीं है। प्रभु यीशु के समय के जो फरीसी लोग थे उनकी स्थिति यही थी। बचपन से एक काफी लंबे उम्र तक प्रभु के वचन का अध्ययन करते थे, बाइबल की शुरू की 5 पुस्तकें याद करते थे, बाइबल की 39 पुस्तकों के बारे में अध्ययन करते थे, लेकिन ये एक महज दिमागी अध्ययन था। उनके जीवन में प्रभु के वचन की ना तो सही समझ और ना ही उद्धार का अनुभव था। इस कारण निकुदेमुस ने आकर प्रभु यीशु को हे रब्बी कहा, जिसका मतलब है हे गुरु। हम जानते हैं अपन भारतीय लोग गुरुजनों को कितना आदर देते हैं, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि हम उस व्यक्ति को गुरु के रूप में संबोधित करते हैं जो एक मनुष्य है। और इस कारण निकुदेमुस चाहे यहूदियों का बड़ा महापंडित हो, यहूदियों का राजनीतिक नायक हो, एक तो वो डरता था इस कारण रात को आया, नंबर 2 प्रभु यीशु के पास आया तो अभी वो प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाया और इसलिए प्रभु को रबी कह के संबोधित करता है। और आगे वो जो कहता है उससे ये बात स्पष्ट है। वहां दूसरे पद में आगे हम देखते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर यीशु से कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए हैं। प्रभु परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए थे या प्रभु परमेश्वर की ओर से मसीहा के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में संसार में पधारे थे? आज जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु संसार में जब पधारे थे तब महज एक गुरु के रूप में नहीं, बल्कि मसीहा के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में प्रभु संसार में पधारे थे। लेकिन निकुदेमुस इस बात को समझ नहीं सका और इसलिए निकुदेमुस ने कहा कि हे रबी, मतलब हे गुरुदेव, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आए हैं। जितना समझा वो सही समझा, लेकिन असली चीज वो नहीं समझ पाया कि प्रभु मुक्तिदाता है, प्रभु मसीहा है। और उसका कारण निकुदेमुस आगे कहते हैं, क्योंकि कोई भी इन चिन्हों को जो आप दिखाते हैं,
यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। उस वाक्य पर विशेष ध्यान दे। नंबर वन, वो कहता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर के आए ओर से आए हुए गुरु हैं, और प्रभु ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं जो एक व्यक्ति तभी दिखा सकता है जब परमेश्वर उसके साथ है। किन व्यक्तियों की ओर उसका इशारा है, जरा इसको देखें। पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे महायाजक और खासकर इस तरह के बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग थे जो आश्चर्यकर्म दिखाते थे। निकुदेमुस का इशारा उन भविष्यवक्ताओं की तरफ है कि वे भविष्यवक्ता लोग आश्चर्यकर्म दिखाते थे इसलिए कि परमेश्वर उनके साथ थे। उसी तरह से हे गुरुदेव, आप भी अपने जीवन में तमाम तरह के आश्चर्यकर्म दिखाते हैं। निकुदेमुस ने जो शब्द यूज किया वो चिन्ह है। कोई भी उन चिन्हों को जो आप दिखाते हैं, मतलब जो आश्चर्यकर्म आप दिखाते हैं, वो तब तक नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। यहां पर भी जो बात उसने सही समझी वो सही है। परमेश्वर साथ हो तभी कोई व्यक्ति ये सब कुछ कर सकता है। और जब प्रभु यीशु संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए, तब प्रभु यीशु ने जितने आश्चर्यकर्म किए वो सब परमेश्वर की शक्ति में किए। लेकिन महत्वपूर्ण बात निकुदेमुस नहीं समझ पाया। महत्वपूर्ण बात क्या है? निकुदेमुस ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, आप जो करते हैं कोई व्यक्ति तभी कर सकता है जब परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ हो। ये कहानी का सिर्फ शायद 1% है। वो इस बात को ना समझ पाया कि प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर हैं, लेकिन प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है। देखिए निकुदेमुस कितनी बातों में भूल करता है। नंबर वन, अन्य फरीसियों के सामने, शास्त्रियों के सामने, सदूकियों के सामने, यहूदियों के सामने दिन दहाड़े आकर प्रभु यीशु से मुलाकात की हिम्मत नहीं करता है। नंबर दो, वो यहूदियों के धर्मशास्त्र का पंडित था। यहूदियों का जो महानायक था, लेकिन रात को प्रभु के पास आता है और आकर प्रभु को महज एक गुरु समझता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर है। प्रभु को महज एक गुरु समझता है, वो ये नहीं समझ पाता कि प्रभु मुक्तिदाता है। प्रभु यीशु के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें उससे छुपी रही। नंबर वन कि प्रभु मुक्तिदाता है, नंबर दो कि प्रभु यीशु परमेश्वर है। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से सभी लोग प्रभु के वचन को सुनने में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसीलिए तो इतने सारे लोग आज समय निकालकर इस जूम मीटिंग में पधारे हैं। आप लोग प्रभु के वचन के बारे में सुनना चाहते हैं, प्रभु के वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। ये अपने आप में तारीफ काबिल बात है, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं कि घर बैठने के बदले या हाथ पे हाथ रखे बैठने के बदले आपने डिसाइड किया कि नहीं, हम तो प्रभु के वचन का अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रभु के वचन के अध्ययन मात्र से कोई व्यक्ति मसीह नहीं बन जाता है। निकुदेमुस इतना बड़ा पंडित था, प्रभु से मुखामुख उसने बात की, कैसा भाग्य है। मेरे आपके भाग्य में ये नहीं बता था कि हम प्रभु को फेस टू फेस देख सकें। हम तो देखेंगे जब भविष्य में प्रभु हमको वो नश्वर शरीर देंगे, तब हम प्रभु को मुखामुख देखेंगे। अनश्वर शरीर देंगे, जब प्रभु हमको एक अनश्वर शरीर देंगे तब हम प्रभु को मुखामुख देखेंगे। लेकिन निकुदेमुस ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति था कि इस नश्वर शरीर में उसे प्रभु को मुखामुख देखने, प्रभु के पास बैठकर वार्तालाप का अवसर मिला,
और उसने नए नियम में बाद में जो किया उससे यह अनुमान है कि मन ही मन उसने प्रभु को मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया था। इस कारण जब हम अपने अनश्वर शरीर में प्रभु का दर्शन पाएंगे, निकुदेमुस भी वहां होगा और अनश्वर शरीर में वो भी दर्शन पाएगा। हम सिर्फ अनश्वर शरीर में दर्शन कर पाएंगे, उसने नश्वर और अनश्वर दोनों शरीरों में प्रभु का दर्शन किया यह हम कह सकते हैं। लेकिन जब वो उस नश्वर शरीर में प्रभु के दर्शन के लिए प्रभु के पास पहुंचा, तब प्रभु को पहचान नहीं पाया। फिर से मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से हर व्यक्ति प्रभु के वचन के अध्ययन के लिए उत्सुक है, लेकिन प्रभु के वचन के अध्ययन के साथ साथ प्रभु के वचन का जो यथार्थ है उसका अनुभव आपने किया है क्या? आप पूछेंगे अनुभव से, ब्रदर आप क्या समझते हैं? नंबर वन, आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है क्या? आप कहेंगे कि हाँ, मैं प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया है? ये दो प्रश्न मैं बार बार लोगों से पूछता हूं और मुझे जो तमाम तरह के उत्तर मिलते हैं वो उत्तर मैं जरा आपको बता दूं। पिछले दिन एक भाई से पूछा कि आपने उद्धार पाया क्या? हाँ हाँ पाया है। कैसे पाया? मैं बहुत बीमार था, मैंने प्रभु से याचना की कि प्रभु मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई मिल गई, बस हो गया उद्धार। जी नहीं, चंगाई जो है वो उद्धार नहीं है। किसी और से पूछा कि भैया उद्धार पाया है? हाँ हाँ उद्धार पाया है। कैसे पाया? जब मैं 18 साल का था मैंने मंडली में खड़े होकर कहा मुझे बपतिस्मा दे दीजिए, उन्होंने तुरंत बपतिस्मा दे दिया, मेरा उद्धार हो गया। जी नहीं, उद्धार नहीं हुआ, बपतिस्मे से उद्धार नहीं होता। किसी और से पूछा कि भाई तुम्हारा उद्धार हुआ है क्या? हाँ हाँ मेरा उद्धार हुआ है। क्यों? मेरे पापा बहुत प्रार्थना करते थे और मैं बचपन से जब भी वो प्रार्थना करते थे बस उनके चरणों पर बैठकर प्रार्थना सुना करता था, मेरा उद्धार हो गया। जी नहीं, आपका उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार ऐसे नहीं होता है। उद्धार तब होता है जब हम इस बात को समझें कि मैं पापी हूं और मैं ना तो प्रार्थना के द्वारा, ना बपतिस्मे के द्वारा, ना चंगाई प्राप्त करने के द्वारा उद्धार पा सकता हूं। उद्धार इस तरह से नहीं आता है। उद्धार तब आता है जब एक व्यक्ति इस बात को समझ ले कि मैं पापी हूं और मुझे उद्धार की जरूरत है और मुझे उद्धार देने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु संसार में आए और मेरे लिए, मेरे पापों के लिए सूली पर उन्होंने मेरे पापों की सजा चुकाई। इस बात को समझकर जब मैं प्रभु से याचना करता हूं, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मैं आपको आज मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, जब हम प्रभु से इस तरह प्रार्थना करते हैं तब हमारा उद्धार होता है। प्रभु के वचन के ज्ञान से उद्धार नहीं होता है। निकुदेमुस ज्ञानी था, उसका उद्धार उस समय नहीं हुआ था जब वो प्रभु से मिलने के लिए आया। हमारे अंदर प्रभु के वचन का बहुत अधिक ज्ञान होगा, ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हमें प्रभु को व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। और इस कारण आज जो भाई बहन लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अपने बच्चों को प्रभु के वचन में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी होगी। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बच्चे पैदाइश के समय से ही प्रभु के वचन के पदों को याद करें, प्रभु के वचन के पुस्तकों के नाम याद करें, प्रभु के वचन की कहानियों को सुने, सुनाएं और सुना सके, ये सब अच्छी बात है। लेकिन इतना सब अपने बच्चों के लिए करने के बाद यदि हम ये सोच बैठते हैं कि अब उनका उद्धार हो गया है तो ये गलत फहमी है। उद्धार इस तरह से नहीं होता है, ये बात मैं याद दिला दूं, उद्धार इस तरह से नहीं होता है। उद्धार के लिए प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। इसलिए इस बात का निश्चय कर लीजिए कि आप अपने बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको इस ट्रेनिंग के साथ साथ उद्धार के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे कि जब वे उद्धार जैसे विषय को समझ सकें तो वे उद्धार प्राप्त कर सकें। अलग अलग बच्चे अलग अलग उम्र में समझते हैं। मैं जब 5 का था तब तक इन बातों को अच्छी तरह से समझने लगा था और मेरे फादर ने मुझे उद्धार के बारे में बताकर
मुझे प्रभु यीशु के पास पहुंचाया, जिसके लिए मैं शाश्वत काल तक उनका आभारी रहूंगा। हम में से जो माँ बाप यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे प्रभु के वचन के बारे में माँ बाप से सुनते हैं, अच्छा हो यदि माँ बाप ही उनको उद्धार से परिचित करवाएं, जिससे कि वे उद्धार प्राप्त करें। लेकिन यदि आपको कोई परेशानी होती है तो कम से कम संडे स्कूल के किसी अध्यापक से या किसी प्रचारक को बताइए, मैंने इसको बाइबल में बहुत अधिक ज्ञान दिया है लेकिन ज्ञान उद्धार नहीं है। मैं चाहता हूं कि ज्ञान तो प्राप्त किया, उद्धार भी प्राप्त कर ले। निकोदेमुस के पास बहुत अधिक ज्ञान था लेकिन उद्धार नहीं था, और इस कारण उसने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं पहचाना और प्रभु यीशु को परमेश्वर के रूप में नहीं पहचाना। जब प्रभु से ये सारी बातें निकोदेमुस ने बोल दी तो प्रभु ने सीधे सीधे उसको जवाब दिया। तीसरे पद में हम देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई, ज्ञान से कुछ नहीं होता है, उद्धार होना चाहिए। तो आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनसे जो पहला प्रश्न मैंने पूछा था वो ये था, प्रिय भाई प्रिय बहन, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि मसीह परिवार में आपका जन्म हुआ है क्या, मैं ये पूछ रहा हूं कि उद्धार का अनुभव हुआ है क्या, नंबर वन। नंबर दो, आपके जो बच्चे हैं जिनको आप इतना प्यार करते हैं, जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं, वे लोग, उन लोगों ने उद्धार पाया है क्या? और नहीं पाया है तो आप क्यों नहीं उनको उद्धार से परिचित करवाते? आप कहेंगे ब्रदर मेरी भाषा या उनसे ये बातें कम्युनिकेट करने में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। कोई बात नहीं, यदि आप जानते हैं कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उनका जो संडे स्कूल टीचर, उससे कहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी प्रभु के वचन के बारे में जानता है लेकिन प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानता है, कृपया उसको लीड कीजिए, उसकी अगुवाई कीजिए, जिससे कि वो अपने पापों से क्षमा मांगकर पाप से मुक्ति पा सके। नहीं तो अपने मंडली में जो प्रचारक है उससे कहिए कि आपके बच्चे से बात करें। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें कम से कम एक परिवार ऐसा है जिसमें जब भाई ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया तब उनकी इच्छा थी कि उनके बच्चे भी मुक्ति पाएं। उन्होंने अपनी दो बेटियों को लाकर हमारे घर छोड़ा, मेरी वाइफ के पास छोड़ा। दिन भर वाइफ ने उनको प्रभु का वचन सुनाया। भाई ने ऐसा क्यों किया? जिससे कि उनकी बिटिया प्रभु के पास आए। उनको प्रभु का वचन सुनाया गया, उन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया और बाद में मैंने उस भाई और उन दो बहनों को मैंने ही बपतिस्मा दिया। हर माँ बाप के मन में ये भार होना चाहिए कि जो मुक्ति मैंने पाई है वो मुक्ति, वो उद्धार मेरे बच्चे भी पाए। इस कारण जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, सभी भाई और बहनों से मेरा अनुरोध है कि आपके बच्चों के उद्धार का निश्चय कर लीजिए। यदि आप में इतना एम्पियर नहीं है कि अपने बच्चे को उद्धार के बारे में बता सके, तो या तो उनके संडे स्कूल टीचर से अनुरोध कीजिए या ऐसे किसी प्रचारक से बात कीजिए जो बच्चों को प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार के बारे में बताने में एक्सपर्ट हो, जो इस बात को जानता हो कि बच्चों को ये बातें किस तरह से समझाई जा सकती हैं। कोई ना मिले तो भाई रंजीत को ही पकड़ लें, क्योंकि वो हिंदी में सबसे बड़ी जूम मीटिंग चलाते हैं और इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि यदि कोई व्यक्ति मदद के लिए उनसे कहे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की मदद करें। लेकिन हाँ, नंबर वन प्रेफरेंस आपकी स्थानीय मंडली, उनको भाई रंजीत को ज्यादा भार ना दें बल्कि अपनी स्थानीय मंडली के लोगों से कहें। एक तीसरा प्रश्न मैं जो आज आपसे पूछना चाहता हूं, निकोदेमस के जीवन को हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जिंदगी भर वो प्रभु यीशु का एक सीक्रेट शिष्य रहा,
डरता था लोगों से। मुझे और आपको अपने बारे में ये प्रश्न बार बार पूछना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पब्लिक के डर के मारे प्रभु यीशु का शिष्य होते हुए, प्रभु यीशु का बच्चा होते हुए मुंह बंद किए हूं, प्रभु के बारे में मुंह खोल के बात नहीं करता। यदि ऐसा है हमारे जीवन में तो ये बहुत अधिक लज्जा की बात है कि प्रभु ने अपना जीवन मेरे आपके लिए दिया और हमें लज्जा आती है कि मुंह खोल कर मैं और आप प्रभु के बारे में बोल सकें कि ये मेरे प्रभु हैं, उन्होंने मुझे नया जीवन या शाश्वत जीवन दिया है। चौथी बात जो निकोदेमस के जीवन में हम देखते हैं वो है प्रभु यीशु सूली पर से जब उनका शव उतारा गया। मैंने इसके पहले ही बताया था निकोदेमस लगभग 25 किलो के करीब मृत शरीर पर वे लोग उस जमाने में जो लेप करते थे वो लेप लेकर आया और अर्मतिया के यूसुफ के साथ मिलकर, ज्यादा लोग नहीं थे उस डेड बॉडी को कैरी करने के लिए, जहां सूली दी जाती है ये बहुत भयानक जगह होती थी और अंधेरे में कोई नहीं जाता था, दिन में जाने की हिम्मत नहीं होती थी, अंधेरे में नहीं जाता था, इसलिए वहां सिर्फ दो व्यक्तियों का वर्णन मिलता है, एक यूसुफ और अर्मतिया का यूसुफ और एक निकोदेमस। उन्होंने जल्दी 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 प्रभु के शरीर पर उस 25 किलोग्राम के करीब द्रव्य का लेपन किया, लेकिन जैसा मैंने कहा इस 25 किलो को तैयार करने में काफी समय लगा होगा, तो भले ही वो डरपोक था लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझता था, वो इस बात को जानता था कि इतना महंगा, इतनी महंगी वस्तु एक औसत व्यक्ति और प्रभु यीशु के शिष्य नहीं खरीद पाएंगे। मैं चूंकि प्रभु यीशु को मानने लगा हूं, प्रभु को मैंने मुक्तिदाता के रूप में पाया है और मैं चूंकि धनी हूं और जनता के बीच में लीडर हूं, इस कारण प्रभु ने मुझे जो धन दिया है उसका उपयोग प्रभु के नाम की महिमा के लिए होना चाहिए, इसलिए उसने उस लेप को तैयार करवाया और खुद वो 25 किलो है उसको लेकर आया, लाद कर लाया और डेड बॉडी पर उन लोगों ने अच्छी तरह से लेपन किया और उसके बाद यूसुफ ने और अर्मतिया की यूसुफ ने और निकोदेमस ने मिलकर प्रभु यीशु को कब्र में रखा। अपने आप में बहुत अद्वितीय बात है। ये चौथी बात, भले ही वो सीक्रेट डिसाइपल रहा हो लेकिन वक्त आने पर जो कार्य सिर्फ वो कर सकता था वो करने में पीछे नहीं हटा। ये चार बातें आज मैं फिर से आप में से हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं। नंबर वन, प्रभु के वचन का ज्ञान बहुत होगा आपके सिर में लेकिन आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया क्या? यूहन्ना 3:16 आप बचपन से पढ़ते आते होंगे, बोलते आते होंगे, लेकिन उसमें जो सच्चाई है उसका अनुभव आपने अपने जीवन में किया है क्या? और यदि नहीं तो किसी न किसी इवेंजलिस्ट से बात कीजिए। नंबर दो, आपने यदि उद्धार पाया है तो आपके बच्चों के बारे में आपने ध्यान दिया क्या? उनके लिए इतना सब कुछ करते हैं लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा जो नव जीवन है वो उन्होंने पाया नहीं पाया है तो उनके जीवन में नया जीवन आए उसके लिए प्रयत्न करना जरूरी है। उनके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करें। तीसरी बात, प्रभु से नव जीवन पाने के बाद सीक्रेट डिसाइपल के रूप में ना रहें। निकोदेमस के लिए ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है कि वो हमेशा एक सीक्रेट डिसाइपल रहा। चौथी बात, सीक्रेट डिसाइपल होते हुए भी मौका आने पर, समय आने पर उसने उससे जो किया जा सकता था वो कार्य किया, जिसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो आज इन चार बातों को समझने के लिए और प्रभु यीशु के जीवन से इन बातों को समझकर इसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सब की मदद करें। दो लोग मेरे लिए पढ़ने के लिए प्रभु यीशु प्रभु के वचन को यहाँ पोस्ट करते जा रहे थे,
मैं उन दोनों का और ग्वालियर के मंडली का बहुत अधिक आभारी हूँ। प्रभु आप सब पर अपना अनुग्रह दें। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।